हेडिंग देंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट इनडायरेक्ट मेथड लिखेंगे। पहले हम लोग इनडायरेक्ट मेथड में सॉल्व करेंगे। इनडायरेक्ट मेथड लिखो ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहां पर पर्टिकुलर्स लिखना अमाउंट लिखो ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सबसे पहले लिखेंगे नेट प्रॉफिट कितना 33,000। और एक मजे की बात देखो रिजर्व एंड सरप्लस में देखो आप जो लिखे थे बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस में देखो कितना रिजर्व एंड सरप्लस में 120,000 और 2022 का कितना है 153,000 माइनस 120,000 जो रिजर्व एंड सरप्लस में सुनिए 2022 में हो गया कितना 153। 2021 में कितना था 120। कितना इंक्रीज कर गया 33। क्यों इंक्रीज किया क्योंकि 2022 का प्रॉफिट हुआ है 33,000 इसलिए वो आके रिजर्व एंड सरप्लस में मिल चुका है। समझ में आया। नेट प्रॉफिट कितना हुआ था 33,000 रिजर्व एंड सरप्लस में कितना इंक्रीमेंट हुआ है 33,000। समझ में आ गया बात। ये बात मैंने क्यों बताया कि ऐसा ये लिखने के लिए क्यों बताया हो सकता है इनकम स्टेटमेंट ना दे सवाल में ओनली बैलेंस शीट दे और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे तो पता कैसे चलेगा नेट प्रॉफिट कितना हुआ है। और इनडायरेक्ट मेथड में सॉल्व करने के लिए बोल रहा है पता कैसे चलेगा नेट प्रॉफिट कितना हुआ है तो रिजर्व एंड सरप्लस में डिफरेंस देखना क्या है। समझ में आया बात इसलिए बताया। चलिए आइए नेट प्रॉफिट सारे बच्चे बताओ प्लस क्या करेंगे सर चलिए इनडायरेक्ट मेथड मतलब समझ में आ गया प्लस क्या करेंगे सर डिविडेंड प्लस क्यों करना है डिविडेंड क्योंकि सर ये फाइनेंसिंग का है कहाँ का है फाइनेंसिंग का है कितना डिविडेंड कितना है बताइए प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम स्टेटमेंट में डिविडेंड कितना 3,000 प्लस करना है ये माइनस हो चुका है डिविडेंड नेट प्रॉफिट से। नहीं आप गलत बोल रहे हो दो कॉपी दो इनकम स्टेटमेंट में देखो कितना है डिविडेंड पेमेंट आप इनकम का बात बोल रहे हो डिविडेंड रिसीव का बात डिविडेंड पेमेंट का बात कर रहा मैं कितना 7,000 कौन बोल रहा है 3,000 प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन ये कहाँ का है फाइनेंसिंग का है पेमेंट कितना 5,000 उसके बाद प्लस डेप्रिसिएशन क्या करना है ये क्यों ये प्लस क्यों हो रहा है माइनस हो चुका है और ये नॉन कैश है ठीक है ना। चलिए कितना प्लस एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल ये प्लस होगा क्यों प्लस होगा ये प्लस क्यों नॉन कैश है समझ में आया बात कितना 2,000 बाकी पेमेंट में जितना सब है इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंसेस साइड में जितना है सब वो पेमेंट हुआ है जी प्रोविजन हाँ अरे वाह शाबाश प्रोविजन फॉर टैक्स ये पेमेंट नहीं प्रोविजन फॉर टैक्स क्यों ये नॉन कैश है इसे पेमेंट नहीं हुआ है कितना 10,000 हो गया 10,000 ये पेमेंट नहीं हुआ। उसके बाद बच्चे माइनस करना है फिर इंटरेस्ट
ऑन इन्वेस्टमेंट कितना 7000, फिर माइनस करना है डिविडेंड। ठीक से बोलो 3000 डिविडेंड इनकम कितना 7000। ये जो इनकम स्टेटमेंट का पार्ट खत्म हो गया, इनकम स्टेटमेंट का पार्ट खत्म हो गया। अब सुनना ध्यान से, ध्यान सुनो, टोटल कितना आया बताओ कितना, ये दो माइनस करना है पता है तो, कितना आया 35000, टोटल 35000 आया। अब सुनिए ध्यान से, माइनस करना है इनकम टैक्स, सुनना ध्यान से, माइनस करना कितना इनकम टैक्स, कितना कितना माइनस करना, इनकम टैक्स माइनस होगा, इनकम टैक्स पेड जितना हुआ उतना माइनस होगा ना। यहाँ प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स जो है, प्रोविजन फॉर टैक्स जो ऐड किए, क्यों ऐड किए यहाँ पे, क्योंकि सर ये नॉन कैश था इसलिए ऐड किए, क्योंकि नेट प्रॉफिट से माइनस हो चुका था इसलिए हम लोग ऐड किए। इनकम टैक्स माइनस होगा या नहीं होगा, हाँ सर होगा। सर कितना होगा, जितना इनकम टैक्स पे हुआ होगा उतना इनकम टैक्स माइनस होगा। सर ये जो 10000 है ना इनकम टैक्स, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, ये सर पे नहीं हुआ, ये प्रोविजन तो मेंटेन किया गया था, प्रोविजन चार्ज किया गया था, ये माइनस नहीं होगा, ये प्लस होगा। प्रोवाइडेड दैट कि ये माइनस हो चुका होगा 33000 से, समझ में आया ना बात, तो माइनस हो चुका था इसलिए हम लोग क्या किए, ऐड किए। लेकिन इनकम टैक्स पेड वो माइनस होगा, बट पे कितना हुआ है, सब तो प्रोविजन था, पे कितना हुआ है, ये 45 हो रहा है, 45 हो रहा है, सही से बोला करो, कसम तो खा लिए हैं, कसम खा लिए हैं, कैलकुलेटर लेकर आएंगे नहीं ज़िंदगी में। चलिए ठीक, सुनिए नोट में, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए एक पेज छोड़ दीजिए, छोड़ने के बाद नोट बनाइए जल्दी से, नोट, नोट में हम लोग प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बना रहे हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, नोट में प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस था बाय बैलेंस बीडी, बताइए, देखिए लाइबिलिटी साइड में प्रोविजन फॉर टैक्स ओपनिंग बैलेंस कितना था 2021 का, जल्दी से देख के बताओ 12000, प्रोविजन फॉर टैक्स टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस कितना था 10000। सुनिएगा ध्यान से, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में कितना गया है प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रॉफिट एंड लॉस में कितना गया है प्रोविजन फॉर टैक्स 10000, उसका एंट्री क्या होगा सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन था कि नहीं था, था कौन सा लेजर में गया, प्रॉफिट एंड लॉस यानी इनकम स्टेटमेंट में गया सर, इनकम स्टेटमेंट यानी प्रोविजन, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स। तो प्रोविजन फॉर टैक्स में जब लेजर बना रहे हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स का लेजर बना रहे हैं, तो क्या होगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना 10000, बस इसको क्लोज करो, ये कितना हुआ 22000, ये कितना हुआ, ये भी 22000 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ 12000 पेमेंट हुआ है टू बैंक, समझ में आया, ये बैलेंसिंग फिगर है, इतना पता चला इस बार प्रोविजन फॉर टैक्स, इस बार इस साल 2022 में पेमेंट कितना हुआ है 12000, ये बैलेंसिंग फिगर है। तो ये माइनस करना है इनकम टैक्स पेड कितना 12000, समझ में आ गया हुआ। अब ये कितना आएगा बोलो, कितना 30, ये माइनस होगा 33000, इसका नाम देना, नाम क्या देना, कैश फ्लो बिफोर
चेंजेस इन करेंट असेट एंड करेंट लाइबिलिटी, कभी कभी वर्किंग कैपिटल भी बोलते हैं, बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल यानी तो करेंट असेट एंड करेंट लाइबिलिटीज भी बोलते हैं। समझ में आया? इनकम टैक्स पेड होने के बाद जो आया कैश फ्लो बिफोर चेंजेस इन करेंट असेट एंड करेंट लाइबिलिटीज, हो गया? समझ में आया? तो अब सुनिए बच्चे, ध्यान से, ध्यान सुनना मेरी बात, समझा रहा एक बात बच्चे। डेटर क्या? डेटर 2021 में कितना था बोलिए? 22 में 2000, 5000 था, 2000 हो गया, इसका मतलब 3000 कहाँ गया? ये 3000 कहाँ गया? रिसीव हुआ, रिसीव हुआ या पेमेंट हुआ है? रिसीव हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब 3000 की वजह से कैश इन प्लस हुआ है या माइनस हुआ? प्लस हुआ है। समझ में आया बात? तो ये जो करेंट असेट है डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ? करेंट असेट का बात बोला, डेटर क्या है? करेंट असेट है कि नहीं है? सर करेंट असेट है। करेंट असेट पहले कितना था? 5000, बाद में कितना हो गया? 2000। तो करेंट असेट बच्चे क्या किया, डिक्रीज किया या इंक्रीज किया? डिक्रीज किया। जब करेंट असेट डिक्रीज करेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या होगा? प्लस होगा, उतना अमाउंट जितना डिक्रीज हुआ होगा उतना प्लस होगा। जैसा कि सर यहां लिखना है प्लस डिक्रीज इन डेटर्स, क्या? डिक्रीज इन डेटर्स कितना? 3000, कितना? 3000। समझ में आ गया बात? प्लस हुआ। अब सुन लो, करेंट असेट अगर डिक्रीज हुआ तो क्या होगा? प्लस, अगर इंक्रीज हुआ तो माइनस। करेंट लाइबिलिटी इंक्रीज हुआ तो माइनस, करेंट लाइबिलिटी डिक्रीज हुआ तो प्लस। गलत नहीं लग रहा है आपको? नालायक लोग। करेंट लाइबिलिटी इंक्रीज हुआ प्लस होगा, करेंट लाइबिलिटी डिक्रीज हुआ तो माइनस होगा। इसका रिवर्स, करेंट असेट करेंट लाइबिलिटी का जो हो रहा है, करेंट असेट क्या हुआ? इन डिक्रीज किया तो क्या होगा? प्लस। अभी समझाया मैंने, करेंट असेट अगर इंक्रीज किया तो क्या होगा? माइनस होगा। ठीक, करेंट लाइबिलिटी में आइए, करेंट लाइबिलिटी जब इंक्रीज किया ना तो क्या होगा? प्लस होगा। करेंट लाइबिलिटी जब डिक्रीज हुआ तो क्या होगा? माइनस होगा। सर कैसे, बताइए, सुनिए ध्यान से। क्रेडिटर क्या? क्रेडिटर मान कर चलिए पहले था 5000, कितना था? 5000। अभी हो गया 1000, कितना हो गया? एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दे रहा, 5000 था, अभी कितना हो गया? 1000। ये 4000 कहाँ गया? क्या हुआ है? पेमेंट हुआ या रिसीव हुआ है? क्रेडिटर को पेमेंट हुआ या रिसीव हुआ? पेमेंट हुआ। जब पेमेंट हुआ कैश फ्लो माइनस या प्लस होगा? माइनस होगा, पेमेंट हुआ है। समझ में आ गया बात? तो इसलिए करेंट लाइबिलिटी यानी क्रेडिटर क्या है? ये करेंट लाइबिलिटी अगर डिक्रीज किया तो क्या होगा? माइनस होगा। अगर इंक्रीज किया तो क्या होगा? प्लस होगा। समझ में आ गया? देखो वही लिखा गया, इंक्रीज किया तो क्या होगा? प्लस। डिक्रीज किया तो क्या होगा? माइनस होगा। समझ में आ गया बात? इसको याद रखेंगे ध्यान से। फिर से मैं लिख रहा, करेंट असेट इंक्रीज हुआ तो क्या होगा? जल्दी से बोलो, माइनस। करेंट असेट अगर इंक्रीज हुआ तो क्या होगा? माइनस। डिक्रीज हुआ तो प्लस। करेंट लाइबिलिटी इंक्रीज हुआ तो क्या होगा? उल्टा, प्लस। डिक्रीज हुआ तो माइनस। हो गया? चलिए आइए अब कहाँ पे हैं हम लोग? डेटर्स, करेंट असेट पे हैं। करेंट असेट में क्या है? स्टॉक है। क्या है? स्टॉक। क्या हुआ, इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? देखो जल्दी बताओ, इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? इंक्रीज हुआ। कितना? माइनस हो या प्लस होगा? माइनस। इंक्रीज इन स्टॉक, क्या? इंक्रीज इन स्टॉक, ये दिख रहा है तो? दिख रहा है, इंक्रीज इन स्टॉक कितना? 10,000। प्लस होगा या माइनस? माइनस। ठीक है,
चलिए उसके बाद नेक्स्ट मिटाता हूँ। उसके बाद स्टॉक गया, डेटर फिर बिल्स रिसीवेबल क्या हुआ, इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, जल्दी बताओ, इंक्रीज हुआ है। क्या करें, माइनस या प्लस करें, माइनस। इंक्रीज इन बिल्स रिसीवेबल, क्या इंक्रीज इन बिल्स रिसीवेबल, कितना 500 प्लस हुआ है, तो मतलब इंक्रीज किया है तो माइनस करेंगे, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर लिखा मैंने इसे। उसके बाद खत्म हो गया करंट असेट, कैश एंड बैंक को छोड़ दीजिए, खत्म। करंट लाइबिलिटी को आओ, फिर करंट लाइबिलिटी को आइए, आ गए। चलिए क्या है, पहले क्रेडिटर क्या हुआ, इंक्रीज है डिक्रीज है जी, इंक्रीज। क्या करें, इंक्रीज इन क्रेडिटर लिखेंगे, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स कितना 2000। चलिए उसके बाद क्या हुआ है, डिक्रीज, क्या करें, माइनस। बिल्स पेबल, डिक्रीज इन बिल्स पेबल कितना, और कुछ प्रोविजन फॉर टैक्स जा चुका है, उसका खत्म कर चुके हैं, काम हो चुका है। प्रपोज डिविडेंड हम कहाँ लेंगे, फाइनेंसिंग में लेंगे, ऑपरेटिंग का कोई काम नहीं है, खत्म हो गया। चलिए बताइए, सुनिए, 33 प्लस 3 माइनस 10 माइनस 5 प्लस 2 माइनस 1000 कितना हुआ, बताओ जल्दी जल्दी। ट्वेंटी 8500। अब देखिए ये दूसरा कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि हमें पता चला ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो कितना हुआ है, टोटल आ गया कितना 28,500। यहाँ पे लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, हो गया खत्म। इसका नाम देंगे ए, क्या देंगे ए। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, चलिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बच्चे क्या हुआ, ये 26,500 क्या हुआ, बाकी मैंने इतने बच्चे हो मत 26,500 मतलब ऐसा तो कहीं नहीं कंपटीशन चला, लड़की लोग जो बोलेंगे लड़का उसका उल्टा बोलेंगे, ऐसा तो नहीं है 26,500 तो ठीक। चलिए ठीक है, आ जाओ। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहाँ पे है, लॉन्ग टर्म में है, कहाँ है, लॉन्ग टर्म में है ना। चलिए पहला क्या है, टेंजेबल इनटेंजेबल पूरा बोलना ना, इनटेंजेबल फिक्स्ड एसेट कितना, टेंजेबल फिक्स्ड एसेट कितना है 1,90,000। बच्चे डेप्रिसिएशन कितना हुआ था, बच्चे डेप्रिसिएशन कितना हुआ था, टेंजेबल फिक्स्ड एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन कितना था, टेंजेबल फिक्स्ड एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन कितना था। सुनिए वर्किंग नोट में जाएंगे, जहाँ पे वर्किंग नोट किए थे, ये दूसरा नंबर वर्किंग नोट, दूसरा नंबर वर्किंग नोट। सर ओपनिंग बैलेंस कितना है, सर 1,90,000 है, कितना है 1,90,000 है ना। सर डेप्रिसिएशन माइनस हो गया कितना 2000 है ना, बैलेंस कितना आया 1,00,000, बट क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया है, क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया है 1,00,000। ये 10,000 कहाँ से आया, मतलब परचेज किए हैं एसेट, अरे बाप रे ये 10,000 इंक्रीज कैसे कर गया,
कहीं ना कहीं फिक्स एसेट परचेज किए हैं, समझ में आया नहीं आया? फिक्स एसेट परचेज किए हैं। तो ये रहा पेमेंट, बैंक से पेमेंट हुआ, पेमेंट ठीक है ना, परचेज मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, परचेज कितना हुआ है 10,000। चलिए आइए इसका अकाउंट फॉर्मेट में, एक्चुअल ऐसा नहीं बनाना चाहिए, अकाउंट फॉर्मेट में बनाना चाहिए। कौन सा फॉर्मेट में? अकाउंट फॉर्मेट में। वो कैसे? देखिए अकाउंट फॉर्मेट में हुआ, अकाउंट फॉर्मेट क्या लिखेंगे? ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी कितना? 1,90,000 बाय डेप्रिसिएशन कितना? 2,000 बाय बैलेंस सीडी बाय बैलेंस सीडी कितना? 1,98,000 है। कितना है यहाँ से मैं कुछ भी देख नहीं रहा, बैलेंस शीट से देख रहा हूँ। कहाँ से देख रहा? बैलेंस शीट से। तो ये कितना हो गया टोटल सर? 1,98,000 प्लस 2 कितना हो गया? 3,00,000 हो गया। कितना हो गया? 2,00,000। अरे 2,00,000 4,00,000 लोग कौन बोलता है 3,00,000? 1,98,000 प्लस 2 कितना हो गया? 2,00,000 हो गया। तो बच्चे यहाँ पर कितना शॉर्टेज हो रहा है? 10,000 शॉर्टेज हो रहा है। इसका मतलब पेमेंट हुआ है टू बैंक। यह है क्या? फिक्स्ड एसेट अकाउंट। क्या है? टेंजिबल फिक्स्ड एसेट अकाउंट है ये, ठीक है। पेमेंट हुआ है तो हो गया कितना? 2,00,000 हो गया। ये पेमेंट हुआ है, कहाँ जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पेमेंट पे जाएगा। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट कितना सर? 10,000 ठीक है। ये वर्किंग नोट में कर लेना है, ये वर्किंग नोट दूसरा नंबर वर्किंग नोट में करना है ये, ठीक है। और इसके लिए मार्क्स भी होता है, वर्किंग नोट कहीं नहीं करने से मार्क्स कट जाएगा आपका। ठीक है, नहीं किए, नहीं किए थे इसको, नहीं किए थे। जल्दी से जल्दी लिखो, लिखो जल्दी लिखो, लिखो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट अकाउंट, जल्दी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट अकाउंट। लेजर अकाउंट बनाना, लिखो टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी लिखे 1,90,000 लिखे 1,90,000 लिखो। उसके बाद बाय डेप्रिसिएशन, जल्दी बाय डेप्रिसिएशन 2,000। उसके बाद बाय बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस 1,98,000। ये कहाँ दिया था? बैलेंस शीट में दिया हुआ था। ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस कहाँ दिया है? बैलेंस शीट में दिया हुआ था 1,90,000 and 1,98,000। डेप्रिसिएशन कहाँ दिया हुआ था? प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। तो अब बैलेंस कहाँ आ रहा है? डेबिट साइड पे आ रहा है। तो इसका मतलब पेमेंट हुआ है। लिखो टू बैंक, टू बैंक 10,000 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? फिक्स्ड एसेट जो है परचेज हुआ है, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट जो है परचेज हुआ है कितना का? 10,000 का, समझ में आया। तो ये पेमेंट हुआ है, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट मतलब ये पेमेंट हुआ है। ब्रैकेट का अंदर लिखना, ये माइनस है, ठीक है। उसके बाद और क्या है? एक इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट देखो कितना था, 50 था। क्लोजिंग बैलेंस कितना रहा? क्यों हुआ 2,000 कम गए? क्यों कमा? एमोटाइज हुआ है सर, एमोटाइज हुआ है 2,000 उसमें वहाँ पे। और बस ठीक है सर, 50,000 था, एमोटाइज हुआ 2,000, रहा कितना? 48,000। तो और कोई प्रॉब्लम नहीं, ज़्यादा तो नहीं कम नहीं है, एमोटाइज तो हुआ है और एमोटाइजेशन हम लोग ऐड कर चुके हैं ऑलरेडी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, और तो कुछ नहीं करना। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद क्या है? कितना है? 3,00,000 2,00,000 था कितना? कितना हो गया? इसका मतलब डिक्रीज हुआ, मतलब सेल हो गया। 1,00,000 का इन्वेस्टमेंट हम लोग क्या किए?
सेल कर दिए, सेल होने से पैसा आया या गया? आया। पैसा रिसीव हुआ है ना, पेमेंट हुआ है, रिसीव हुआ है। चलिए लिखो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना, 1 लाख हो गया, और तो कुछ दिया नहीं। चलो लिखो कैश फ्लो फ्रॉम, अच्छा और भी, अरे बाप रे गलती हो गया, और भी होगा, हाँ क्या होगा, और भी रिकॉर्ड होगा इस पे सर, प्रॉफिट एंड लॉस में जो इनकम स्टेटमेंट में जो रिसीव हुआ था इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड रिसीव हुआ था कि नहीं, वो क्या होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस होगा, पैसा आया है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, समझ में आ गया। चलिए लिखो इंटरेस्ट रिसीव्ड और उसके बाद डिविडेंड रिसीव्ड, बोलिए इंटरेस्ट कितना, 3000, डिविडेंड कितना सर, 7000, समझे, समझ में आया। चलिए अब ये खत्म हुआ, लिखो बी में, बी क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कितना, 1 लाख। सेकंड अमाउंट का कॉलम में डालना है, सेकंड अमाउंट का कॉलम में, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में बच्चे शेयर कैपिटल कितना था, ओपनिंग कितना, उसके बाद 1 लाख क्या हुआ, शेयर इशू करके पैसा लाए, शेयर इशू करके पैसा आया है। लिखो प्रोसीड फ्रॉम शेयर कैपिटल, प्रोसीड्स फ्रॉम शेयर कैपिटल कितना, 1 लाख, कितना 1 लाख। उसके बाद नेक्स्ट लोन जी, रिजर्व सरप्लस 33,000 इंक्रीमेंट हुआ था ना, वो किसके लिए, नेट प्रॉफिट के लिए, यहाँ कर लिया ना काम, वो तो ऑपरेटिंग का है, ऑलरेडी कर चुके हैं ना, खत्म हो चुका है, 33,000 इंक्रीमेंट हुआ था ना, वो तो ये नेट प्रॉफिट में आ चुका है, वो नेट प्रॉफिट की वजह से इंक्रीमेंट हुआ था, है ना। चलिए ठीक है नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी लोन कितना, 50,000 था, कितना हो गया, कितना हो गया, 30,20 डिक्रीज किया है, कितना डिक्रीज किया, डिक्रीज क्यों किया, इसका मतलब पेमेंट किया है, रीपेमेंट किया है, 20,000 माइनस, लिखो रीपेमेंट ऑफ लोन, कितना 20,000 माइनस कर देना। चलिए उसके बाद और क्या माइनस होगा, इनकम स्टेटमेंट में दो चीज जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में था, देखो यहाँ पे कहाँ, ये डिविडेंड और इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना, 5000, कितना 5000 इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट पेमेंट कितना, कितना था 5000 ये। उसके बाद डिविडेंड पेमेंट, कितना डिविडेंड पेमेंट, कितना नहीं डिविडेंड पेमेंट 3000 नहीं, ये तो प्रपोज्ड डिविडेंड है, वो थोड़ी पेमेंट है, बात समझे कि नहीं। डिविडेंड जो पेमेंट हुआ वो कितना, वो पता नहीं है, अभी अकाउंट बनाएंगे तो पता चलेगा, जैसा प्रोविजन फॉर टैक्स किए थे ना, जैसा प्रोविजन फॉर टैक्स किए थे वैसा प्रपोज डिविडेंड अकाउंट बनाना है। चलिए नोट नंबर 3, प्रपोज्ड डिविडेंड अकाउंट, ये लाइबिलिटी है जबकि बाय बैलेंस बीडी, कितना था ओपनिंग बैलेंस, बोलो बैलेंस शीट में प्रपोज डिविडेंड ओपनिंग बैलेंस कितना था, 12,000, कितना 5,000, क्लोजिंग बैलेंस कितना बोलो, टू बैलेंस शीट कितना 3,000। उसके बाद इस साल जो प्रपोज किए इनकम स्टेटमेंट में कितना है,
3000 है, कितना है इस साल प्रॉपर्स, कितना है कि ओपीएल में शो हुआ है, क्या शो हुआ है टू, देखो इनकम स्टेटमेंट में क्या शो हुआ है टू डिविडेंड या टू प्रॉपर्स डिविडेंड, कितना एंट्री क्या हुआ सर पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रॉपर्स डिविडेंड, क्या हुआ एंट्री पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रॉपर्स डिविडेंड, ये कौन सा अकाउंट है प्रॉपर्स डिविडेंड अकाउंट, तो क्या होगा बाय पीएल होगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना 3000, तो ये कितना होगा ये टोटल सर 8000, ये भी कितना होगा टोटल सर 8000, डिफरेंस कितना आ रहा है 5000, इसका मतलब पेमेंट हुआ है टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, जल्दी लिखो फिर बोलना सर लिखे नहीं हम लोग, आशीष बोल रहा है वो तो फास्ट रुक कही थी सर या 5000 ही होगा, ठीक है धन्यवाद ऐसे ही बोला करो, चलो ठीक, मतलब क्या चॉकलेट दूंगा और 5 रुपया दूंगा जी, क्या बोला फाइन दे ची चलो, तो डिविडेंड पेमेंट कितना सर 5000, इंटरेस्ट पेमेंट कितना 5000 हो चुका है, चलिए बताइए टोटल 10,000. कैसे 5000 10,000 ये 20,000 कितना हुआ 30,000 माइनस 1,00,000 कैश इनफ्लो है, तो 70,000 क्या हुआ इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, लिखो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, सी में लिखना कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी कितना 70,000, कितना 70,000, ठीक है ना, देखो बच्चे सुनना ध्यान से, सुनना ऑपरेटिंग से कितना 26,500, इन्वेस्टिंग से कितना 1,00,000, फाइनेंसिंग से कितना 70,000, चलो अब बताओ नेक्स्ट नीचे लिखना, इसके नीचे जगह नहीं है तो मैं नहीं लिख रहा, आपके पास जगह है तो आप लिखिए, लिखिए टोटल कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर, टोटल कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर, चलिए मिला दीजिए 1,70,000 जी, हाँ टोटल मिला देना है, टोटल कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर ऑपरेटिंग से इतना कैश फ्लो हुआ, इन्वेस्टिंग से हुआ इतना, फाइनेंसिंग से हुआ इतना, ठीक है एडिशन सब्ट्रैक्शन में गलत हुआ तो ये आपका गलती है, कॉन्सेप्ट में कोई गलत नहीं है, ये आपका गलती है, सीधा मैं सुनूंगा नहीं हुआ आप चेक करते रहना, टोटल कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर कितना हुआ 1,96,500 शायद है तो ठीक है 1,96,500 ठीक है, चलिए ओके, प्लस ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या था, कैश इन हैंड कितना था बोलो 1,28,000, कैश एट बैंक कितना था ओपनिंग 2,000, कितना 10,000, कितना हुआ 1,38,000, चलो मिला दो इसको, मिलाओ जल्दी, थ्री लाख 34,500, ये क्या है
क्लोजिंग 500, तो यह है क्या क्लोजिंग कैश एंड क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक, जो क्लोजिंग बैलेंस है कैश एंड बैंक का मिला के देखो इतना आता है, 2022 का कैश एंड बैंक बैलेंस मिला के देखो इतना आता है, देख लो टेस्ट कर लो, नहीं आया तो बस आप समझो समझे, इसलिए चलो देखो यार देखना क्लोजिंग कैश बैलेंस कितना 3,26,000 है 500 और वो कितना है 8, देख लो देख लो, उसका दिमाग खराब हुआ है। मतलब तुमको पता भी नहीं चल रहा है कि क्लोजिंग बैलेंस कौन सा है, यहाँ पे 3,26,000 कैश बैलेंस है और बैंक बैलेंस उसके ऊपर है, ठीक, इसको ऐड करना है, जैसा यहाँ पे ऐड किया ओपनिंग बैलेंस वैसा क्लोजिंग बैलेंस ऐड करना है, ऐड करने के बाद देखना ये मैच कर रहा है क्या, कर रहा है तो ठीक है नहीं तो गलत है, सब मेहनत पानी में जाएगा फिर, समझ में आया। कितना है बताओ 3,28,000 प्लस 3,26,000 प्लस 500 प्लस 3,26,500 प्लस 8,000, कैसे होगा, वही तो नशे से चढ़ गई है, नशे से चढ़ गई, अब कैसे होगा 8,000 को 80,000 तो दिखेगा, एक जीरो तो बढ़ जाएगा ना, दो आंख से जब चार आंख हो जाए, तो चार आंख कब होता है, जब आदमी अपना होश में नहीं होता है तभी दो आंख से चार आंख हो जाता है, दिखता है सब एक आदमी को डबल डबल दिखता है, कब दिखता है ऐसा कब होता है, वही चार बोतल वोड का काम मेरा रोज का यही सब होना से, ठीक है आइए समझ में आ गया। अरे कैश फ्लो स्टेटमेंट समझ में आया तो कैसे किए, ये मैक्सिमम बात समझा दिया मैंने आपको, इन डिटेल में सारा चीज़ समझा दिया, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनता है समझ में आया, और भी बहुत सारा बात पढ़ेंगे हम लोग धीरे धीरे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।